अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक नाहिस किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त पुदीने की चटनी की रेसिपी, बड़ी मज़ेदार। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम लेंगे एक जग, उसमें हम डालेंगे पुदीना आधी गड्डी, हरा धनिया आधी गड्डी, लहसुन के चार जवे हम इसमें ऐड करेंगे, सब्ज़ मिर्च 3 अदद ऐड करेंगे, ज़ीरा हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून, नमक इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून, लेकिन आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस है इसमें 1 टेबल स्पून। ये सब हम इसमें ऐड करके इसको अब हम करेंगे ब्लेंड। पानी इसमें ऐड नहीं करना, ये बिना पानी के ही ब्लेंड करेंगे, क्योंकि हम इसमें लेमन जूस डाला है। उससे क्या होगा कि ये बिल्कुल फ्रेश बनेगी, और मज़ीद आप इसको 1 से 2 हफ्तों तक यूज़ कर सकते हैं, फ्रिज में रख दीजिएगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ब्लेंड हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर बड़े साइज़ का, उसको हम क्यूब कट कर लेंगे, उससे हम बीज निकाल देंगे और इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे, अगेन मैं आपसे कह रही हूँ। तो अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह चटनी हमारी बहुत ज़बरदस्ती रेडी हो चुकी है। आप इसको ट्राई करिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। ये बहुत मज़े की लगती है दाल चावल के साथ, पराठों के साथ। आप इसको जैसे मर्ज़ी यूज़ करें, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।